एक्सपीरियंस मोटोग्राफी। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ दी ऑल न्यू होंडा एक्सब्लेड के मैट मार्शल ग्रीन मेटालिक कलर की। मैंने एक और ब्लू कलर की एक्सब्लेड का वीडियो बना रखा है, अगर आपको ब्लू कलर का एक्सब्लेड का वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप उसे टच करके ब्लू कलर के एक्सब्लेड का वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आपको किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ पूछना होगा, मुझसे पूछ सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर, सर्च करें प्रकाश महंत। गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सब्लेड के कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में। एक्सब्लेड का इंजन दो सिब्लिंग्स के साथ शेयर किया गया है, एक है होंडा सीबी यूनिकॉर्न 160 एंड द अदर वन इज होंडा सीबी हॉर्नेट। इन दोनों गाड़ियों में यही इंजन यूज किया गया है, होंडा एक्सब्लेड वाला, लेकिन उन दोनों गाड़ियों में पिकअप और पावर थोड़ा ज़्यादा है और इस गाड़ी का पावर थोड़ा कम है, मतलब कि इसके इंजन को थोड़ा ट्यून किया गया है ताकि इस गाड़ी से आपको बेहतर से बेहतर माइलेज मिल सके। ये गाड़ी लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका हेडलैम्प काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। इसका हेडलैम्प जाना जाता है रोबो फेसिंग हेडलैम्प के नाम से, जिसका मतलब है जो इसका हेडलैम्प है वो कुछ तरह से रोबोट के फेस के जैसा लगता है। ये बाइक यंगस्टर को, मतलब कि स्कूल स्टूडेंट्स को या कॉलेज स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आती है और ये उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन की गई है और माइलेज भी इससे अच्छा निकाला गया है ताकि ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली रहे। इसका जो हेडलैम्प है उसमें चार एलईडी लाइट्स दी गई है विथ एलईडी डीआरएल, और इसके जो एलईडी लाइट्स हैं वो रात में काफ़ी अच्छी लाइट प्रोवाइड करते हैं। इस गाड़ी में आपको हैजार्ड लैम्प का स्विच भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। हैजार्ड लैम्प मतलब होता है कि जब आप कहीं हाईवे पे साइड पे खड़े होते हैं तो आप इस गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन कर सकते हैं, जैसा कि अभी ऑन है चारों इंडिकेटर आप देख सकते हैं। और अब बात करें इसके इंजन की तो इसमें मिलता है 159 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड कार्ब्यूरेटर बेस्ड पेट्रोल मोटर जो जनरेट करता है 13.93 bhp की पावर एंड 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि मेटेड है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm और इसका वेट है 140 kg का। और ये गाड़ी डिजाइन है डायमंड फ्रेम शैसी पे और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर्स का है, जिससे कि आपको सिटी पे 40 टू 45 का माइलेज एंड हाईवे पे 50 टू 55 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। और इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 79,768 रुपीस, जो कि ऑन रोड समथिंग पड़ जाता है 90,000 रुपीस। अब मैं ऐसे फीचर्स बताने जा रहा हूँ जो इस गाड़ी में आपको ऑफर नहीं किए गए हैं बट इस सेगमेंट की काफ़ी सारी गाड़ियों में ऑफर किए गए हैं, जैसा कि ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता और रियर डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं है और इसमें CBS भी नहीं है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो कि आजकल होंडा की काफ़ी सारी गाड़ियों में आ रहा है, और इसमें इंजन किल स्विच भी नहीं है। तो बस यही कुछ फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में मिसिंग है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी का लुक इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया गया है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इसका प्राइस होंडा सीबी हॉर्नेट एंड होंडा सीबी यूनिकॉर्न से थोड़ा कम रखा गया है ताकि ये सबके लिए अफोर्डेबल हो और अच्छी से अच्छी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई हैं। इस गाड़ी का लुक्स काफ़ी अपीलिंग है, काफ़ी शार्पर एज दिया गया है इस गाड़ी में। इस बाइक को होंडा ने काफ़ी अग्रेसिव एंड काफ़ी इनोवेटिव बनाया है, आप इस गाड़ी को हेड टर्नर कह सकते हैं, मतलब कि कोई भी लोग इसे एक बार मुड़कर ज़रूर देखेंगे, हालांकि उन्हें पसंद आती है या नहीं आती ये अलग बात है। यह है फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और यह इसका डिस्क ब्रेक जो कि 276 mm का डिस्क ब्रेक है और इसका टायर साइज है 80x100 R18 inches के ट्यूबलेस टायर्स जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। और रियर पे आपको मिल जाता है 130 mm का ड्रम ब्रेक और यह इसका मोनोशॉक एब्जॉर्बर। इसका सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा ट्यून किया गया है, इसमें पॉट होल्स में ज़्यादा पता नहीं चलता और इसका रियर टायर साइज है 130x70 R17 inches के ट्यूबलेस टायर्स और यहाँ पे 160 की बैजिंग दी गई है जो कि कार्बन फाइबर फिनिश के साथ है, देख सकते हैं यहाँ पे 160 लिखा हुआ है और ये HET BS4
जो कि BS4 compliant इंजन है और HET मतलब Honda Eco Technology, और ये इसका एग्जॉस्ट क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है जिसमें, और ये इसका ब्रेक पैडल, और ये इसका रियर चंकी डिजाइन ग्रैब हैंडल जिसके डिजाइन्स काफी अग्रेसिव हैं। और ये है इसके स्पोर्टी डिजाइन चाइनीज प्रॉकेट जो कि ओपन है, देख सकते हैं। इसके पार्ट्स काफी शार्पर हैं, काफी अग्रेसिव लुक है, देख सकते हैं। मुझे तो काफी अच्छे लगते हैं इसके एजेस, काफी शार्पर एंड काफी न्यूक्लियेटेड टाइप से डिजाइन किए गए हैं। और ये इसका सिंगल पैडल गियर, इसमें एक गियर नीचे एंड बाकी के चार गियर ऊपर साइड लगते हैं। और ये है इसका पेट्रोल टी, और ये इसका मस्कुलर डिजाइन फ्यूल टैंक, काफी बल्क लगता है, देख सकते हैं, जो कि ड्यूअल टोन में आता है। इस गाड़ी का राइडिंग पोस्चर भी काफी सिंपल है जिससे कि आपको लॉन्ग राइड्स में बैक पेन नहीं होगा। इस गाड़ी में आप डेफिनेटली आराम से लॉन्ग राइड्स ट्रेवल कर सकते हैं। और ये फ्यूल टैंक पे भी थोड़ी सी कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है। अब मैं इसका मीटर कंसोल दिखाता हूँ, तो ये मैंने ऑन किया और यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर शो होता है, और ये है इसका RPM मीटर, ये देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट जलती है और हजार्ड लैंप की लाइट, और डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है, और इसमें टाइम भी शो होता है एंड दो ट्रिप मीटर्स दिए गए हैं, और डिजिटल फ्यूल गेज भी दिया गया है। और ये है इसके स्विचेस, वहाँ पे आपको हजार्ड लैंप का भी स्विच दिया गया है, ये देख सकते हैं, ये कर दिया मैंने ऑन, और ये देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है हजार्ड लैंप का लाइट्स। अभी मैं इस साइड से दिखाता हूँ इसके हजार्ड लैंप, ये देख सकते हैं चारों इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं। ये फीचर काफी यूजफुल फीचर है। इस गाड़ी का एक और अच्छा फीचर बताता हूँ, जब आप इस गाड़ी का इग्निशन ऑफ करते हैं तो इसके डिस्प्ले में CU लिखा हुआ डिस्प्ले होता है। अब जैसे ही की ऑन करते हैं तो इसका LED DRL ऑन होता है, और इंजन स्टार्ट करने पे ये दोनों लोअर बीम्स ऑन हो जाते हैं, मतलब कि लोअर लाइट, और ये दिखाता हूँ इसका अपर बीम मतलब कि अपर लाइट। ये सेंटर पे दो अपर लाइट्स दिए गए हैं, देख सकते हैं, ये रात में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रोड में काफ़ी रोशनी होती है जिससे कि आप अच्छे से रात में देख करके ड्राइव कर सकते हैं। और अब मैं इसका छोटा सा टूल बॉक्स दिखाता हूँ, ये यहाँ पर से की इंसर्ट करके आप सीट को ओपन कर सकते हैं, और इसके नीचे आप गाड़ी कार्ड्स पेपर्स वगैरह रख सकते हैं एंड फर्स्ट एड बॉक्स भी रख सकते हैं, कुछ सामान जैसे कि बैंडेज वगैरह। और ये इसका एयर फिल्टर, इसके नीचे जस्ट इसका एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसे दबा करके रख सकते हैं फर्स्ट एड को। बस इतना ही गाइस, होप सो कि ये वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल PM's फोटोग्राफी।